डॉक्टर रागिनी प्रश्न पूछने का अवसर इसलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सवाल जो है वो समाज कल्याण विभाग के मंत्री जी से है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के और एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। और अध्यक्ष जी, इस पे जो जवाब आया है उसमें कुछ इस प्रकार से है, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, सामूहिक विवाह योजना। तो अध्यक्ष जी, ज़्यादातर जो भी योजनाएं हैं वो भारत सरकार के द्वारा हैं, तो इसमें जो हमारे प्रदेश की सरकार है वो क्या कर रही है, और योजनाओं पे मैं कहना चाहूँगी, हमारे माननीय सदस्य ओम प्रकाश सिंह जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि बीरबल ने अकबर के लिए एक हवा में महल बनवा दिया था और उसकी जो तारीफें थी वो तोता मैना कर रहे थे। तो ये योजनाएं भी अध्यक्ष जी बिल्कुल इसी तरीके से लग रही हैं। और देश की आधी आबादी हमारी महिलाओं को, और उसमें भी अनुसूचित जनजाति और जाति की महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपके पास कोई भी ठोस योजनाएं नहीं है, और ये अपने में ही बड़ा ही गंभीर विषय है। अध्यक्ष जी, जो ज्यादातर योजनाएं हैं जो इन्होंने दी हैं उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इन्हें महिलाओं के लिए किया जा रहा है कि इसे ओवरऑल तरीके से किया जा रहा है। तो मेरा सवाल जो है माननीय मंत्री जी से ये है, फाइलों और किताबों में जो आपकी योजनाएं हैं वो जनमानस तक पहुंचाने के लिए कि सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं बना करके उसे प्रसारित किया गया है, और उससे कितनी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है या फिर व्यापार। साथ ही साथ मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि इन्होंने कई सारे आश्रम पद्धति विद्यालयों का भी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इसमें कितने ऐसे विद्यालय हैं जो आपके द्वारा जो है स्थापित किए गए हैं, वहां पे कितनी संख्या में जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, और आपके ही सरकार द्वारा बोला गया था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जो बच्चियां हैं उनके लिए आप कोचिंग की मुफ्त सुविधा, 12वीं के बाद अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं तो उनके लिए आप मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराएंगे, तो उसका भी आप एक विवरण यहाँ पे प्लीज दें। और छात्रवृत्ति के बारे में बोलना चाहूंगी कि क्या सरकार उसे बढ़ाने पर कोई विचार कर रही है। स्किल डेवलपमेंट की बात कहीं नहीं है आपकी योजनाओं में, तो मैं पूछना चाहूंगी कि महिलाओं को एनकरेज करने के लिए क्या आपकी तरफ से कोई इस तरीके से सशक्त करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए गए हैं जिसमें महिलाएं सशक्त हुई हैं। माननीय मंत्री, उसके साथ ही साथ हेल्थ का कोई भी ब्यौरा नहीं मिला है अध्यक्ष जी कि हेल्थ में, क्योंकि मैं जिस समाज के जिन महिलाओं की बात कर रही हूँ उसमें ज्यादातर अशिक्षित हैं और वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो क्या उनको माल न्यूट्रिशन के लिए, सैनिटरी नैपकिन के लिए कोई भी अवेयरनेस स्कीम्स बनाई गई हैं? माननीय मंत्री जी, महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, इसका बहुत विस्तृत जवाब है, किंतु मैं सूक्ष्म में देने का प्रयास करता हूँ। और जो अंतिम विषय डॉक्टर रागिनी जी ने रखा, सबसे पहले रखना चाहूंगा, उदाहरण के तौर पर जनजातीय कल्याण के लिए और उनकी स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि लखनऊ में अपना KGMU का एक मेडिकल दल इस समय थारू समाज के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, और एक दल बलरामपुर के क्षेत्र में और एक दल लखीमपुर खीरी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इन दोनों दलों में चिकित्सक यानी प्रशिक्षक भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, और जो जनजाति कल्याण विभाग है दोनों क्षेत्रों में थारू विकास परियोजना के जो अधिकारी हैं वो उनको लोकल सपोर्ट दे रहे हैं और काम चल रहा है। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, और हमने यहाँ जो जवाब प्रस्तुत किया है उसमें 11 ऐसी योजनाएं अनुसूचित जाति कल्याण की, जिसमें महिलाएं कुछ में विशिष्ट रूप से और कुछ में शामिल हैं, और इसी प्रकार की 11 योजनाएं प्रस्तुत की हैं जो जनजाति कल्याण की हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो माननीय सदस्य ने पूछी, जो विशेष घटक योजनाएं, स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, उसके तहत लगभग सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक अंश निर्धारित किया गया है, आरक्षित किया गया है, और उसके तहत कार्य किया जाता है, और
समाज कल्याण में एक कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ बनाया गया जो इसका निकटता से पर्यवेक्षण करता है। धन्यवाद। विशेष रूप से केवल एक कहना चाहूंगा, जैसे कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि हमने कोचिंग के लिए बोला था, तो बिल्कुल कोचिंग के लिए ये वादा किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समय कोविड चल रहा था, सारी कोचिंग बंद हो गई थी, तो इसको ऑनलाइन किया और अब ऑनलाइन ऑफलाइन यानी हाइब्रिड मोड में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग चल रही है। आपको बताते हुए, सदन को बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है कि इसी वर्ष जो एसडीएम पीसीएस का रिजल्ट आया उसमें 9 छात्र एसडीएम डायरेक्ट बने, 4 डीएसपी बने और कुल 43 बच्चों का सिलेक्शन इस प्रकार हुआ। और ये योजना, सबसे अच्छी बात है जो बाबा साहब ने अवसर की समानता की बात कही, ये उसका सबसे बड़ा प्रतिरूप है, क्योंकि ये सभी वर्गों के लिए है और सभी वर्गों के लिए फ्री है। जो टैब नहीं अफोर्ड कर सकता उनको हम टैब देते हैं, बाकी सब के लिए समान रूप से ये फ्री है। डॉक्टर आदमी, मंत्री जी ने जो भी जवाब दिया उसमें उन्होंने कुछ चिन्हित लखनऊ और उसके आसपास की जो जगह है उनके बारे में उन्होंने बताया है, तो उस पे मैं बोलना चाहूंगी और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि भारत सरकार के द्वारा जो सरकारी खरीद है उसमें 4% की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उसमें आरक्षण दिया गया है कि वो उनसे लिया जाएगा, क्या उन्हीं पग चिन्हों पे चल करके आपका जो उत्तर प्रदेश का सरकार है वो भी आपकी जितनी भी सरकारी खरीद है उसमें 5% का आरक्षण देगी, मेरा ये सवाल है। और साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जितने भी योजनाएं आई हैं उन योजनाओं में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इस वजह से है क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में हमारी क्या नंबर्स हैं, हमारे कितने लोग हैं इसमें। तो मैं आज इस सदन से, मंत्री जी से, हमारे माननीय वित्त मंत्री और सारे आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, आपसे ये पूछना चाहती हूं कि हमारी जो महिलाएं हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की, उनकी नंबरिंग, उनकी जाति जनगणना का जो विषय है, क्या जाति जनगणना कराई जाएगी और उसका हक उनको दिलवाया जाएगा? पूजा पूजा पूजा, आपके बजट उस हिसाब से अलोकेट, एक मिनट, महिला सदस्य पूजा पूजा, आप पूजा पूछें, आप पूजा पूछें उसके बाद। मैं बस माननीय मंत्री जी से एक सवाल जानना चाहूंगी कि क्या डबल इंजन की सरकार एससी एसटी की महिलाओं को महिला वर्ग के अंतर्गत शिक्षा व नौकरियों में अवसर की समानता देगी? यदि हाँ तो कब, यदि नहीं तो क्यों? और ये स्पेशली यूपी पीसीएस के संदर्भ में है मान्यवर, क्योंकि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो हम लोगों को आरक्षण प्रदान है वो 2 सिद्धांतों के माध्यम से है, एक है क्षतिपूर्ति का न्याय सिद्धांत, एक है वितरण का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति के न्याय सिद्धांत के अकॉर्डिंग है मान्यवर कि जी क्षति हुई है इन जातियों को और इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग महिलाओं को तो आरक्षण मिला है, पर वितरण के सिद्धांत में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है मान्यवर, वितरण के सिद्धांत से वो पीछे रह जाती है। इसमें जो डोमिनेटिंग कास्ट की महिलाएं हैं वो ही इस आरक्षण का फायदा उठा पाती हैं। तो ये मेरा बस इतना सा सवाल है कि एससी एसटी की महिलाओं को महिला वर्ग के अंतर्गत शिक्षा व नौकरियों में अवसर की समानता देगी सरकार? और एक दूसरा सवाल है मान्यवर कि क्या सरकार अपने पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर, जो पड़ोसी राज्य मान्यवर बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उनके तर्ज पर मान्यवर जहां पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण है, वहीं उत्तर प्रदेश में 33% का आरक्षण क्यों है मान्यवर? क्या दोनों का उत्तर एक साथ दे दीजिए, डॉक्टर आर्मी और पूजा जी का, दोनों का उत्तर एक साथ दीजिए। बहुत अच्छा, दोनों का उत्तर एक साथ दीजिए। दोनों माननीय सदस्यों ने रखे, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सर्वविदित है कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन उसमें गार्ड का डिब्बा भी है, ये देखने के लिए कि कोई पीछे ना छूट जाए, क्योंकि सबका साथ है और सबका विकास है। पहले साथ है फिर विकास है। और अभी मुझे ये भी बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक सत्र विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के निर्देश पर रखा गया था, जो इस बात पे था कि किस प्रकार निजी क्षेत्र की कंपनियां, कॉरपोरेशन, पीएसयू स्वयं आगे बढ़ के, कानून से आगे बढ़ के एफर्मेटिव एक्शन के नाम से योजनाएं संचालित कर रहे हैं और अच्छे अच्छे विचार इसमें आए। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया, वो मैं अलग से कभी विषय पूरा डिटेल में रखूंगा, एक वेबसाइट बना रहे हैं। जो अभी मैं अभी बता रहा हूं, जो विषय अभी आए, जो विशेष रूप से अभी विषय आए,
एक ही उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, आश्रम पद्धति विद्यालय जिनको हम सर्वोदय विद्यालय बोलते हैं, ऐसे विद्यालय कुल 94 संचालित किए जा रहे हैं अनुसूचित जाति के बजट से, और 9 ऐसे विद्यालय हैं जो अनुसूचित जनजाति के बजट से हैं, 2 एकलव्य विद्यालय हैं। इनमें हमारी बच्चियों के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं और हमारी बच्चियां यहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, 12वीं के बाद तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सुन नहीं रहे उधर। एक तत्कालिक पहल अभी की गई है जिसमें प्रत्येक ऐसे विद्यालय कुल 104 होते हैं जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, चर्चा की थी, प्रत्येक ऐसे विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय की कोचिंग के रूप में भी बना दिया गया है ताकि जो बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं वो ऊंची उड़ान आगे भर पाए, उनका अच्छी जगह पहुंचा।